हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस बॉसी, इट्स मिस सोनिया। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, ब्लैक स्पॉट्स की, जो हमारे अक्सर चीन के पास, फोरहेड पे और जगह जगह पे ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं। तो हम आज उसके ऊपर बात करेंगे। हमें उस चीज़ के लिए चाहिए सिर्फ तीन चीज़ें जो कि हैं हमारी, हमें उसके लिए चाहिए सिर्फ तीन चीज़ें जो कि हमारी किचन में आसानी से मिल जाएंगी। तो पहला है राइस फ्लोर, जो कि है चावल का आटा। दूसरा है हमारा नींबू, हमें आधा नींबू चाहिए, आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। प्लस हमें चाहिए इसके साथ में एक टमाटर। आपको छोटा सा टमाटर लेना है जो ज़्यादा रसी वाला हो, पुलपिला टाइप का जो होता है, मुलायम सा, वो चाहिए हमें। तो हम इस पेस्ट को बनाने के लेंगे खाली बाउल और उसमें डालेंगे 2 टी स्पून राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा। आप चाहे तो घर पर भी इसे बना सकते हैं पीस कर। अब इसमें मैं ले रही हूँ आधा नींबू, इसका रस पूरा हम अच्छे से स्क्वीज़ करके डाल देंगे। जितने भी बीज हैं वो पहले निकाल लेंगे और फिर इसका सारा जो रस है वो इस बाउल में डाल देंगे एक अच्छा सा पेस्ट बनाने के लिए। अब हमने इसमें पूरा डाल दिया है। ये पेस्ट बहुत ही अच्छा, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। एक बार आप ज़रूर अपने घर पर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा, इवन मैं पूरा ही टमाटर डाल दूँगी क्योंकि अच्छा रस है और पेस्ट भी अच्छा बन जाएगा। अगर आपका पेस्ट हल्का सा गाढ़ा या टाइट हो जाता है तो आप इसमें गुलाब जल भी यूज़ कर सकते हो यानी कि रोज़ वाटर। बहुत इजी रेमेडी है, बहुत मनी सेविंग है, टाइम सेविंग है और डेफिनेटली इसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। एक बार आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मेरा दावा है 101% कि आपको इससे बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा। अब हम इस पेस्ट को अच्छे से बना लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा, अगर थिक हो आपका पेस्ट तो आप थोड़ा सा रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं क्योंकि जो चावल है वो हमारे फेस पे एज अ स्क्रबर का काम करने वाला है, तो हमें थोड़ा सा इसको मसाज भी करना है। अब मैं इसको लगा लूँगी पहले अपने के हाथों से। अपना पूरे फेस पे, पूरे फेस को कवर कर लीजिए जैसे कि हम नॉर्मल कोई भी मसाज करते हैं। अच्छे से अपने बालों को अच्छे से टाइट कर लीजिए। मेरे खुले हुए हैं, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और कोई ऐसी टॉप पहनिए जिससे कि आपका जो है टॉप ख़राब ना हो। तो मैं आपको बता दूं कि हमने राइस फ्लोर क्यों यूज़ करा है। राइस फ्लोर का मेन मोटिव क्या है? राइस फ्लोर में ऑयल ऑब्जर्विंग और नेचुरल एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारे ऑयली स्किन और डल स्किन वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। साथ ही में ये एक स्किन वाइटनिंग का काम करती है जो कि आपकी जैसे कि फेयर स्किन हो जाएगी, स्मूथर हो जाएगी और ये सनबर्न के लिए प्रोटेक्शन का भी एक बहुत अच्छा काम करती है। अब हम बात करते हैं नींबू। नींबू का रस हमने इसलिए डाला है क्योंकि ये एक नेचुरल प्रॉपर्टीज़ है जो कि आपकी स्किन को लाइटन एंड ब्राइटन करता है। आपके जितने भी एक्ने, पिंपल्स, डार्क स्पॉट्स होते हैं उसको लाइट करता है। साथ ही में इसमें विटामिन सी सीरम पाया जाता है जो कि आपकी स्किन को एक नेचुरली रिड्यूस करता है। आपकी जितने भी ब्लैमिशेस होते हैं, आपकी अनइवन टोन स्किन को इवन कर देता है। टमाटर बहुत ही अच्छा एक स्किन प्रॉपर्टीज़ है आपकी स्किन के लिए क्योंकि ये एक एंटी एजिंग का काम करता है। इसका जो जूस है अगर आप डेली पर्पस से यूज़ करेंगे तो आपके जितने भी पिंपल्स हैं सारे, उसके ब्लैक हेड्स हैं, जितने भी आपके डार्क स्पॉट्स हैं सारे रिड्यूस होने लगेंगे अगर आप डेली बेसिस पे इसको यूज़ करेंगे। इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये एक एज अ स्क्रबर भी यूज़ किया जाता है। ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से बैलेंस करता है। तो अब हमें इसे यूज़ करना है। पहले आप अच्छे से अपने फेस पर लगा लीजिए और फिर हल्के हाथों से इसको मसाज कीजिए। जितना भी आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से काम करने लगे। जितने भी आपके डार्क सर्कल्स हैं, एक्ने प्रॉब्लम्स हैं, पिंपल्स हैं, उसमें ज़रूर इसको डेफिनेटली 101% बहुत ज़्यादा रिड्यूस मिलेगा। क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि ये पैक लगाने से आप बहुत ज़्यादा गोरे हो जाएंगे। गोरे तो आपको कोई भी क्रीम नहीं बनाती है, लेकिन हाँ, अगर आप डेली पर्पस से कोई चीज़ें करने शुरू करते हो तो आपकी जो स्किन है वो बेटर वे में जाती है। आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो थोड़ा सा वाइट होने लगता है, थोड़ा सा फेयर आने लगता है, आपकी स्किन स्मूथ हो जाती है। तो हमें इसको हल्के हाथों से मसाज करना है 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद इसको रख दीजिए कम से कम 25-30 मिनट के लिए, जितना आप ज़्यादा रख सकते हैं। तो मैंने मेरे फेस को कर लिया है वॉश। हल्का सा आप डैप डैप कर लीजिए, पूरा रगड़ना नहीं अपने फेस को। लेकिन आपको दिख रहा होगा मेरा फेस में कितना अच्छा वाइटनिंग और कितना ज़्यादा फेयर लग रहा है क्योंकि ये पैक है ही इतना अच्छा। आप इसको हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। लिपस्टिक मेरी शेड अच्छी लग रही है और देखो वाटरप्रूफ है, हटी भी नहीं। मेरी स्किन सच में बहुत अच्छी लग रही है और एक बार प्लीज़ गाइस इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत अच्छी रेमेडी है आपकी, डेली पर्पस से हफ्ते में 2 बार आप कर सकते हैं। तो मेरी स्किन तो हो गई है बहुत अच्छी। अब मुझे रेडी होना है मेरी पार्टी के लिए। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। साथ ही अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो बिना सब्सक्राइब किए कहीं मत जाना, क्योंकि बिल्कुल फ्री है बॉस और मैं ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस आप लोग डील कराती हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय, लव यू, बाय।